कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जो आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं, क्योंकि संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा आजकल युवाओं को हो रहा है। बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं को अपनी गिरफ्त में कोरोना वायरस ले रहा है और पॉजिटिविटी का यह मार्क यही सिद्ध करता है। पिछले एक महीने में आए नए संक्रमितों में 16% बुजुर्ग रहे, जबकि नई उम्र के मरीजों का आंकड़ा 35% से ज्यादा है। सेकेंड वेव में यहां देखें तो ज्यादा खतरनाक कोरोना को माना जा रहा है। जबलपुर ने अप्रैल से ही आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए थे। तकरीबन 20,000 नए संक्रमितों पर अध्ययन हुआ है और यह पहलू निकलकर सामने आया है। कोरोना वायरस इस बार बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं के लिए खतरनाक बना हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो कई ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े भी देखने को मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण इस बार बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं को अपनी गिरफ्त में ज्यादा ले रहा है। तो जो कोरोना की दूसरी लहर अपने देश प्रदेश में चल रही है, जबलपुर शहर भी इससे अछूता नहीं। इसमें ये देखा जा रहा है खासतौर पर कि जो युवा और मध्यम वर्ग की उम्र के जो लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा संख्या में संक्रमित किया। उसकी जो मुख्य वजह मुझे ये समझ में आ रही कि यही वर्ग एक ऐसा है कि जो आवागमन ज़्यादा करता है बाहर, चाहे वो काम के सिलसिले में हो और दूसरे सिलसिले में हो। तो चूँकि कोरोना संक्रमण का लक्षण ही सर्दी, खांसी, हल्का बुखार या मुँह में स्वाद न आना या भूख कम हो जाना है, तो इन लक्षणों को लोग शुरुआत में हल्के में लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये कोरोना नहीं हो सकता, ऐसे सर्दी खांसी हमेशा होती रहती है। जबकि उनको यही संदेश सबसे पहले जाना चाहिए कि किसी को भी अगर अचानक कमजोरी भी लगे, भूख कम हो जाए या हल्का बुखार भी हो या गले में खराश भी हो या खांसी आने लगे, इसमें सूखी ठसकी जैसी खांसी आती जिसको अपन सामान्य भाषा में कहते हैं कि फंदा लग गया, तो उस स्थिति में उनको खुद को अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर भी मास्क लगाना चाहिए और तुरंत ही दवाइयां शुरू कर देना चाहिए, अच्छे से दवा डॉक्टर से दवा ले जाँच करा कर। जाँच जो है वो बाद में भी करा सकता है, पर दवाइयां और आइसोलेशन ये तो उसका तुरंत शुरू हो जाए, जिससे कि दूसरी जगह संक्रमण ना फैले और बीमारी की रोकथाम में आसानी हो। कंट्रोल कमांड सेंटर से ये डेटा निकल के आया है कि जनरली हम जो लिस्ट बनाते हैं और उसमें हमारा ये डेटा निकल के आया है कि लगभग 30% युवाओं में संक्रमण फैल रहा है। और प्रायः ये पाया गया है कि जो लोग जितने युवा बाहर निकल रहे हैं, या वो चाहे आजीविका को लेकर निकल रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर निकल रहे हैं, और यदि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उनमें मुख्यतः यह पाया गया है कि वो लोग ज़्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो रहा है, कि लोग इतने वो नहीं हो रहे हैं कि उनको किसी समस्या का समाधान ना मिले, सभी लोग होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हो जा रहे हैं। तो सभी युवाओं से भी यह आग्रह रहेगा कि वो घर में भी जा रहे हैं, यदि उनको किसी भी तरीके के सिम्टम्स जैसे ही लगते हैं, तो वो सबसे पहले आइसोलेट हों ताकि वो अपने परिवार को बचा सकते हैं।